हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए अपने चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ज्योग्राफी का। दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द वाटर। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसको हम डिफाइन करेंगे एज परस्पेक्ट विद द इंडियन फिजियोग्राफी। इंडिया में जो मिनरल्स मिलते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, मिनरल्स को हम क्लासिफाइड किस तरीके से करते हैं, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली वी आर गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ द मिनरल। अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी मिनरल जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो धरती के अंदर से निकलता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द मिनरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इफ वी क्लासीफाई द मिनरल्स, वी कैन क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज अ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। ठीक है, किसी भी मिनरल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे भाई मेटल है नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। फर्दर वी कैन डिफाइन डिवाइड द मेटलिक मिनरल्स इनटू द फेरस एंड नॉन फेरस। जो मेटलिक मिनरल्स हैं, क्या वो फेरस कंटेंट करते हैं, मीन्स वो आयरन कंटेंट करते हैं, उनमें आयरन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और सेकेंड नॉन फेरस, दैट इज दे आर नॉट हैविंग द आयरन कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन मेटलिक मिनरल्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फ्यूल मिनरल्स एंड नो अदर दैन द नॉन फ्यूल फ्यूल मिनरल्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होंगे वो आप लोगों के जो होंगे फ्यूल टाइप, यानी कि पेट्रोलियम, इन सब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंटेंट मिनरल्स अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे रिलेटेड हैं। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज द नॉन फेरस नॉन मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, नाउ एज वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सिंपली जो मिनरल डिवीजन है, जो धरती पर पाया जा रहा है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। मीन्स कैरेक्टर्स, हम मिनरल की कैरेक्टर्स नहीं पढ़ रहे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी काउंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स, दैट ऑल द मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। ठीक है, सभी जगह पे सभी रिसोर्सेज नहीं मिलते, दिस इज द फैक्ट रिलेटेड टू द मिनरल्स। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द गुड क्वालिटी आर लेस एज द लो क्वालिटी मिनरल्स। जो गुड क्वालिटी मिनरल्स होते हैं, डेफिनेटली दे आर लेस इन नंबर ओवर द अर्थ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोर एग्जॉस्टेबल। ठीक है, मीन्स ये जो मिनरल्स हैं, ये जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कहें कि ऑन द मिनरल्स विच आर लाइफ इज डिपेंडिंग इन दीज डेज, दीज आर जनरली एग्जॉस्टेबल। यानी कि एक टाइम आएगा दे दीज मिनरल कैन बी एग्जॉस्टेड। इन दैट सिचुएशन इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। हम अपने जीवन काल में, हम क्या, हमारे आगे वाली जनरेशन भी उसको नहीं देख सकती अगर हम इस जनरेशन, इस पीरियड में उसको रिसोर्सेज को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। ठीक है, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटलिक मिनरल्स, मेटलिक मिनरल्स कैन बी इन द पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, मेटलिक मिनरल्स हमें कहाँ मिलेंगे, इट कैन बी सीन मोर इन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन हम बात करते हैं, वो पूरा का पूरा सदर्न पार्ट आपका आ जाता है। एंड लाइक कोल ज़्यादातर हम जैसे कहें मेटलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन, दैट इज़ अ कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दीज ऑल रीजन्स आर कंटेनिंग द मेटलिक मिनरल्स। ठीक है, कोल 97% is found in the Damodar, सोन, महानदी, गोदावरी regions। ठीक है, भारत का 97% जो कोल है वो इस एरिया से मिलता है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, द मेजर प्रोड्यूसर्स आर असम, गुजरात, मुंबई हाई। तो ये तो हो गया आपके सीशोर वाले या फिर अदर असम वाला जो पार्ट है, टर्शियरी रीजन। एंड अदर देन दिस, द रिवर बेसिन्स आर आल्सो हैविंग द पेट्रोलियम रिसोर्सेज, लाइक कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स बेसिन्स आर आल्सो एनरिच इन द पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिफाइनिंग द मिनरल्स इनटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। हम इन्हीं के बेसिस पर तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। पहला है, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो प्लेट्यू रीजन है, इट इंक्लूड द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, उड़ीसा प्लेट्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग द वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़।
इन रीजन्स में हम जानते हैं ये रीजन सबसे ज़्यादा आप लोगों के आयरन रिसोर्सेज, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन सबसे इनरिच्ड हैं, तो ये वाले रीजन्स को हम क्या कहेंगे, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ साइड में जो प्लेट्यू है आपका, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्टर्न साइड इज द एरियाज विच आर ऑक्यूपाइंग दीज मिनरल्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, दैट इज द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू। साउथ वेस्टर्न सदर्न वाले पार्ट में आ जाइए, तो सदर्न साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू एग्जिस्टिंग द कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, दीज आर कंटेनिंग द रिसोर्सेज स्पेशली द फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, दे आर इनरिच ऑफ द आयरन रिसोर्सेज, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी इस रीजन में काफ़ी मिलता है ना, आयरन ओर एक्सेप्ट नवेली, कोल इज फाउंड इन द कर्नाटका रीजन, ठीक है। नाउ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दैट इज अपना जो राजस्थान और गुजरात साइड वाला रीजन है, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इट इंक्लूड्स अरावली, राजस्थान, गुजरात, कॉपर, जिंक, ठीक है, दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली फाउंड स्पेशली लाइक वी कैन से राजस्थान, राजस्थान में हम देखते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स जनरली ज़्यादा मिलते हैं, चाहे लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, जिप्सम है, ठीक है, ये सभी, लाइमस्टोन आप जानते हैं किस काम में आता है, फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री इट इज़ अ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली फाउंड इन द राजस्थान एंड गुजरात एंड राजस्थान टुगेदरली आर हैविंग द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। गुजरात में आप जानते हैं अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम माइंस है वहाँ पर आपको पेट्रोल निकलता है। अदर देन दिस हम राजस्थान में बात करें, दैट इज बाड़मेर, जैसलमेर एरियाज आर हैविंग द पेट्रोलियम रिसोर्सेज। सो दिस इज द होल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिनरल्स, हमारे भारत में मिलने वाले मिनरल्स कहाँ कहाँ पर, हमने ध्यान रखिएगा हमने उनको तीन कैटेगरीज में बांटा है, उन कैटेगरीज को हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, द सदर्न वेस्टर्न प्लेट्यू एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हमने इसको इस तरीके से क्लासिफाइड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों।